हेलो दोस्तों, देखिए हम मोटर के कंटिन्यूटी को माप रहे हैं। ये 5 HP का मोटर है दोस्तों, इसका कंटिन्यूटी कितना रहा है? 3.6 आ रहा है, लमसम 3.5 आता है इसका कंटिन्यूटी। इसका कंटिन्यूटी 3 आ रहा है, हर वायर में 3 आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो एक भी वायर अगर कट गया तो समझ जाइए कि मोटर ख़राब है। ये मोटर ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टर ख़राब बताता है इसका। ये एक छोर से दूसरा छोर लाइन नहीं जा रहा है इसमें, ये स्टार्टर ख़राब है दोस्तों। मोटर का कंटिन्यूटी 3.65 यहीं आया है, मतलब कि मोटर ठीक है। अगर 3 फेज का मोटर है तो दोस्तों उसमें हर वायर में कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से अगर मापेंगे तो कंटिन्यूटी सेम आएगा, ये नहीं मीटर बता रहा है। ये स्टार्टर ख़राब है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट चालू करेंगे, वोल्टेज मापेंगे। पहले वोल्टेज कितना आ रहा है, इसका वोल्टेज कितना आ रहा है दोस्तों, हम पहले वोल्टेज मापेंगे। वोल्टेज मापने के बाद डायरेक्ट मोटर को स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका वोल्टेज 400 का लपेट आ रहा है। देखिए ये वोल्टेज ठीक है दोस्तों। हम मोटर का ब्लू वायर को कस रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। देखिए ब्लू वायर हम कस दिए हैं, अब येलो को कसेंगे, चाहे रेड को कसिए, कोई भी कुछ में भी कसिए, या तीनों के कसना उचित है दोस्तों। हम चाहते तो पहले रेड को कसते और तब ब्लू तब येलो, तो इसमें ब्लू रेड येलो कस रहे हैं। देखिए दोस्तों इस वायर को कसने के बाद हम कटाउज को फिर बांधेंगे, ऐसा बांधेंगे कि मोटर 15 एम्पीयर लेके चलेगी, खूब चलेगी। तो ये 3 फेज का मोटर है दोस्तों, मालूम नहीं है कि कौन कंपनी का मोटर है। देखिए दोस्तों हमने ये कटाउज को बांध रहे हैं, कटाउज बांध लिए हैं। देखिए दो को कटाउज एक साथ लगाइए, एगो लगा दीजिए पहले, लेकिन दो को कटाउज एक साथ लगाइए। देखिए दोस्तों दो कटाउज एक साथ लगा, देखिए ये कटाउज लूती दिखाई दिया, ये कटाउज मार दिया है। अब से इस कटाउज को बांध कर लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये कटाउज को हम बांध लिया है, इसमें एम्पियर बताने के लिए एक मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, हमने क्लैंप मीटर को टांग दिया है। देखिए ब्लू वायर में लाइट का थोड़ा कम व्यवस्था नहीं है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा अंधेरा है। चलिए दोस्तों ये हमने कटाउज के एक साथ ही लगाएंगे, दो कटाउज एक साथ लगाएंगे। देखिए कितना एम्पियर मोटर लेकर चल रही है, 10-11 एम्पियर लेकर चल रही है दोस्तों। मोटर उल्टा चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है अंदर से, कम कम पानी आ रहा है। अब क्या करेंगे कि मोटर को चेंज कर देंगे, वायर को, कोई भी वायर को हम चेंज करेंगे। अब पीला कस दिए बीच में, तब रेड को कसेंगे, या तो रेड ब्लू भी चेंज कर सकते थे हम। देखिए दोस्तों हमने चेंज कर दिए हैं, ये 3 फेज का मोटर है दोस्तों, इसको डायरेक्ट मेन सप्लाई पे चला रहे हैं हम। चेक कर मल्टीमीटर चेक कर दिए थे, इसका कंटिन्यूटी ठीक था, ये मोटर चल सकती है। फिर भी ग्राहक का कहना है कि चल नहीं रही है, फिर भी हम इसको चला रहे हैं। देखिए कितना एम्पियर लगे, एक साथ दो कटाउज लगाइए, वो कटाउज लगा दीजिए, एक साथ दो कटाउज लगाइए कि कोई बॉन्डिंग पे लोड ना पड़े। देखिए दोस्तों ये कटाउज लगा दिए, एम्पियर भी ठीक ले रही है, 10 से ले रही है एम्पियर। देख चलिए हम आपको पानी दिखाते हैं, पानी मोटर दे रही है नहीं दे। देखिए दोस्तों पानी बहुत ही अच्छा दे रही है मोटर, ये बहुत ही अच्छा पानी दे रही है, इतना पानी बहुत ही कम मोटर देती है। देखिए दोस्तों यहीं बोरिंग है, इसी में से अलग मोटर गलाया गया है, इधर से ही वायर गया है उस बोरिंग के अंदर। देखिए ये अंदर हम आ गए हैं, अंदर आपको हम एम्पियर दिखाएंगे, हर वायर में एम्पियर दिखाएंगे कितना एम्पियर आ रहा है। इसे क्लैंप मीटर बोला जाता है, देखिए दोस्तों इसका 10 एम्पियर आ रहा है, 10.1, 10 मानिए 10 एम्पियर आ रहा है। अब पीला वायर में, ब्लू वायर में लगाएंगे पहले, तो तब पीला वायर में, तब रेड वायर में, वायर में हम एम्पियर बताएंगे। देखिए दोस्तों 10 एम्पियर इसका आ रहा है, 10.12, इसमें भी उतना ही आ रहा है, 10.5 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है। देखिए दोस्तों ये पॉइंट्स का अंतर नहीं है, ये मोटर ठीक है दोस्तों, हमने चेक कर दिया। आप भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी से मापेंगे तभी चेक करेंगे। इसे स्टार्टर को हम रिपेयर करेंगे तब सेट करेंगे।